नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ओला उबर टिप्स में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं उबर ड्राइवर ऐप के बारे में। उबर ड्राइवर ऐप क्या है, उबर ड्राइवर ऐप को आपको कैसे चलाना है। अगर आप उबर ड्राइवर ऐप चलाना नहीं जानते हैं तो आप उबर में ज़्यादा से ज़्यादा कमाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सारा कुछ उबर ड्राइवर ऐप के बारे में पता रहेगा तो आप एक बहुत अच्छा अर्निंग करके उबर प्लेटफॉर्म से जा सकते। यह वीडियो में जो है उबर ड्राइवर ऐप के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं उबर ड्राइवर ऐप के एप्लीकेशन पे हूँ। गो वाले बटन को टच करके ऑनलाइन हो जाना है। ऑनलाइन होने के बाद देख लेते हैं, राइड आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास एक राइड आ गया है। पिकअप और ड्रॉप पॉइंट आपको दोनों दिख रहा है, कैश मोड दिख रहा है। तो यानी कि ये मुझे पहले ही पता चल गया जो ये राइड जो है हमारी वो ऑनलाइन नहीं है, कैश है। अब नेविगेशन पे जैसे ही आप टच करेंगे तो टच करने के बाद आपको मैप खुल जाएगा जो कस्टमर का पिकअप पॉइंट कितना दूर है। तो आप देख पा रहे होंगे मैं कस्टमर के पिकअप पॉइंट की तरफ बढ़ते जा रहा हूँ। और बढ़ने के बाद ऑटोमेटिक जो है वो टाइमिंग शुरू हो जाएगा। वहाँ जैसे ही आप पहुँचेंगे अब आप देख पा रहे होंगे टाइमिंग जो है वो शुरू हो गया है। और यह एक कैश ट्रिप है। और बुकिंग स्टार्ट करते समय एक OTP डालना रहता है 4 अंक का। तो OTP कस्टमर से आपको लेके डालना है। तो OTP मैं इसमें जो है मैम से पूछ के पुट कर देता हूँ और आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ, आप वीडियो में बने रहे। तो जैसे ही आप OTP पुट कर दीजिएगा तो स्टार्ट उबर गो का ऑप्शन आएगा, स्टार्ट कर देंगे। फिर नेविगेशन की सहायता से आपको ड्रॉप लोकेशन पे जाना है। तो जैसे ही मैं नेविगेशन पे टच किया हूँ तो मेरा राइड का डिस्टेंस दिख जाएगा जो मैं जहाँ हूँ वहाँ से कितना दूर है। तब आप देख पा रहे होंगे 16 किलोमीटर की ये हमारी राइड है और 16 किलोमीटर जो है वो हमें जाना है। और बुकिंग अब कैसे हम कंप्लीट करेंगे और बुकिंग कंप्लीट करने के बाद इस राइड से हमें कितनी पैसा मिली है तो वो मैं सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करें। अगर आपको जानकारी पूरी चाहिए तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें, तभी आपको कुछ पता चल पाएगा। तो अभी जो है हम लोग बढ़ते जा रहे हैं कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारी गाड़ी जो है वो सिटी में ड्राइव हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है। और इसी के कारण जो है टाइम थोड़ा सा लगेगा ही, क्योंकि 16 किलोमीटर कम नहीं होता है। 16 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है भाई टाउन के लिए। टाउन में 16 किलोमीटर राइड में जो है आपको आधे घंटे से पौन घंटा लग सकता है। इसीलिए जो है मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। काफ़ी लंबी वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ऑडियंस उतना देर नहीं टिक पाती है वीडियो में। तो इसीलिए जो है मैं वीडियो को जितना हो सके भगा के छोटा कर दिया हूँ। और अब जो है अब आप देख पा रहे होंगे ड्रॉप लोकेशन मात्र 1.5 किलोमीटर बच गया है, 1 किलोमीटर बच गया है। और अब जो है मैं कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पर जस्ट पहुँचने ही वाला हूँ। बस 1 मिनट के अंदर जो है मैं पहुँच जाऊँगा, 1 से 2 मिनट के अंदर। तो अब आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कस्टमर का ड्रॉप लोकेशन जो है मैं आ चुका है। कस्टमर का ड्रॉप लोकेशन यही था। तो अब मैं बुकिंग को कंप्लीट करता हूं। कंप्लीट करने के लिए आपको कंप्लीट वाले पे टच कर देना है। अब आप देख पा रहे होंगे आपके सामने बिल जनरेट होके आ गया है 423 रुपये का। तो इस राइड से जो है टोटल मुझे कस्टमर से 423 रुपये लेने हैं। और लेने के बाद इस बुकिंग को कंप्लीट करने के बाद जो है कस्टमर को फीडबैक दिया जाता है, रेटिंग दिया जाता है जो कस्टमर का व्यवहार कैसा। अभी जो मैं राइड कंप्लीट किया हूं उसे मैं ओपन करके डिटेल्स दिखा देता हूं जी। इस राइड से मुझे कितना पैसा टोटल उबर कंपनी ने दिया, जैसा कि आप देख पाए होंगे जो मैं जैसी बुकिंग कम्प्लीट किया तो 423 रुपये का बिल जनरेट हो गया। मुझे कस्टमर से 423 रुपये लेने हैं, पर गाड़ी ऑनर को कितना पैसा मिला उबर की तरफ से वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो 331 रुपया 15 पैसा आप देख पा रहे होंगे कार ऑनर को मिला है। और रेस्ट अमाउंट जो बच गया वो उबर कंपनी को हमको जमा करना पड़ता है, वो उबर की कमीशन हो गई। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो उबर कितना परसेंट कमीशन लेती है और 16 किलोमीटर की राइड में उबर कार ऑनर को कितना पैसा मिला। और 41 मिनट की ये राइड थी जिसमें 16 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली और 331 रुपया 15 पैसा मिला। अब इसी तरह से आप जो हैं उबर में ड्राइव कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। एक बुकिंग कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट बुकिंग आपके पास आएगा। सेम यही प्रोसेस जिस तरह से मैं फॉलो किया हूं उसी तरह से आपको करना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कॉमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।